नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। दोस्तों, गर्मी के मौसम में बहुत सारे फल खाने को मिलते हैं और कुछ फल ऐसे हैं जिनको खाने से गर्मी में बहुत ज्यादा ठंडक मिलती है। आज के इस पैकेज में हम आपको बताएंगे लीची के कुछ फायदे और कुछ साइड इफेक्ट्स। क्या आपको पता है कि लीची का वैज्ञानिक नाम लीची चिनेसिस है? लीची में विटामिन सी, विटामिन B6, नियासिन, राइबोफ्लेविन, फोलेट, तांबा, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और ना जाने कितने अन्य पोषक तत्व होते हैं। चलिए पहले जानते हैं कि लीची के क्या क्या फायदे हैं। लीची डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। ये गैस्ट्रिक और पाचन के रस को उत्तेजित करता है, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक कुशल होता है। ये आपको कॉन्स्टिपेशन में भी राहत देती है। लीची खाने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत बनता है। लीची में विटामिन सी होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्या आपको मालूम है कि लीची में जो पोषक तत्व होते हैं वो आपको कैंसर से भी बचाते हैं? और तो और, लीची हाई ब्लड प्रेशर में भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। लीची का जूस आपकी स्किन के लिए भी अमृत समान है। अगर आपको ज्यादा देर तक गर्मी में रहने से टैन, रैशेस, सूजन या जलन जैसी प्रॉब्लम्स हो जाएं, तो इसके लिए आप लीची को थोड़ा मैश कर अपने टैन वाले एरिया पर लगा सकते हैं। आपको आराम जरूर मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपके शरीर पर दाग धब्बे हैं, तो उन दाग धब्बों के ऊपर भी लीची लगाने से आपके निशान दूर हो जाएंगे। लीची आपके बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आजकल खराब खाने पीने या टेंशन की वजह से हम अपने बालों की चमक खो देते हैं। ऐसे में आप अपने बालों के लिए कंडीशनर के रूप में लीची के पल्प का उपयोग कर सकते हैं। 8-10 लीची लीजिए और उसका पल्प निकाल लीजिए। उसे मैश करके अपने बालों में लगा लीजिए और 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से शैम्पू कर लीजिए। क्या आपको मालूम था कि लीची आपकी आँखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है? लीची आपको मोतियाबिंद जैसी बीमारी से बचा सकती है। एक रिसर्च में पता चला है कि लीची मोतियाबिंद को रोक सकती है। लीची में फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी नाइप्लास्टिक गुणों से भरपूर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि को रोकने में मदद करते हैं, जिससे मोतियाबिंद होने का खतरा कम हो जाता है। अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, तो भी लीची आपके काम आ सकती है। लीची में ज्यादा कैलोरीज नहीं होती। 100 ग्राम लीची में सिर्फ और सिर्फ 66 कैलोरीज मिलती हैं। लीची में बहुत सारा पानी और फाइबर की एक महत्वपूर्ण मात्रा होती है। तो अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो खूब सारी लीची खाइए। बहुत सारी रिसर्च से पता चला है कि लीची खाने से सेक्सुअल पावर भी बढ़ती है। लीची को कामेच्छा को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, तांबा और विटामिन सी जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। चलिए अब बात करते हैं लीची के कुछ नुकसानों के बारे में। क्योंकि लीची कुछ ज्यादा ही मीठी होती है, इससे आपको डायबिटीज होने का खतरा हो सकता है। तो लीची जरूर खाइए, लेकिन थोड़ा लिमिट में। इसके अलावा लीची का नेचर गर्म माना जाता है, जो आपकी बॉडी में जाकर गर्मी को बढ़ा सकती है। लीची ज्यादा खाने से नाक से खून बहना, बुखार या गले में खराश हो सकती है। हालांकि अगर आप इसे लिमिट में खाएंगे तो ऐसा सब नहीं होगा। लीची शरीर में हार्मोनल संतुलन को परेशान करने के लिए भी जानी जाती है, इसलिए इसे कम मात्रा में खाएं, क्योंकि इससे आंतरिक रक्तस्राव, बुखार या कई अन्य परेशानियां हो सकती हैं। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को लीची नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों, इन सारी टिप्स का जरूर ध्यान रखें। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।